लगातार 5 साल से सूखे की मार झेल रहा बुंदेलखंड, इसका असर साफ तौर पर बाजार सराफा बाजार में देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ दो व्यापारी हैं, हम उनसे बात करते हैं, बाजार का हाल जानेंगे। आपका नाम क्या? मुकेश अग्रवाल, अध्यक्ष सराफा बाजार। मुकेश जी, जो हर साल बिक्री होती थी मार्केट में, उसमें और अब में कितना अंतर है? काफ़ी अंतर है, पिछले 7 साल के बाद इतने ज़्यादा रेट बढ़े हैं कि लोगों में कम उत्साह है खरीदने का सोने का, और निश्चित रूप से इस पर बहुत फर्क पड़ा है। ये हाल होता था बाज़ार में, पैर रखने जगह नहीं होती थी, आज जो है गाड़ियाँ घोड़ा सब आ रहे हैं, बराबर जो है कस्टमर कम है, और जो ज़रूरत की चीज़ है कपड़े की या बर्तन पे, उस पर ज़्यादा जोर है, सोने चांदी पे कम जोर है। निश्चित रूप से महंगाई भी बहुत है तो बाज़ार में असर तो पड़ेगा। हृदय सोनी। हृदय जी, मतलब यहाँ पे इस बार साल व्यापार कैसा हो रहा है, लोग बहुत मद्दा है? 5% दुकानदारी है। सोने के रेट क्या है? 32,500। और चांदी? 39,500। तो लोग हर साल की अपेक्षा बिजनेस बहुत कैसा चल रहा है? 5% बिजनेस रह गया 5 साल। हाँ, बहुत कम साल की अपेक्षा 7 साल में। 7 साल में इस साल बहुत मद्दा है, बहुत सन्नाटा है पूरा बाजार में। जैसा बाजार डेली चलता है वैसा ही बाजार नहीं है त्यौहार पर। हमारे साथ सराफा बाजार के दिग्गज व्यापारी थे, उनका भी मानना है कि बिजनेस 7 सालों में सबसे मद्दा है। ईटीवी के लिए झांसी से रामनरेश।